और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इनविजिबल मैन की याददाश्त वापस आ जाती है और वो अपना बदला लेने के लिए जाता है, पर तभी वहाँ एंड्रयू आ जाता है और वो उस गन का इस्तेमाल करके इनविजिबल मैन को मार देता है। दूसरी तरफ दानव ज़ॉम्बी समुराई को पावर देते हैं, जिससे वो अपने पूर्वजों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब आगे हुए, मुझे इनविजिबल मैन की मौत का कारण दानव तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो घर पे ही रहता था और वो दानव से लड़ने अकेले कभी नहीं जाएगा। अगर दानव उसे पकड़ भी लेता तो वो इनविजिबल होके आराम से भाग सकता था, तो फिर मांजरा क्या है समझ में नहीं आ रहा। पर एक बात गौर करने वाली है, जब हिप हॉप के घर पे इनविजिबल मैन आया तब हिप हॉप बहुत चौंक गया था, और वो एक दूसरे को कैसे जानते थे, दोस्त है या दुश्मन, पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए तो मुझे हिप हॉप के घर पे जाना पड़ेगा, सिर्फ वही सच बता सकता है। कितनी शांति है इस दुनिया में, पर अब मैं आ चुका हूँ तो ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। ओए इंसानों, बदल जाओ खूंखार ज़ॉम्बीज में, तुम्हें तुम्हारे आका का हुक्म है, और फैल जाओ पूरे शहर में, सबको ज़ॉम्बीज बना दो। ओए आका, आपका हुक्म सर आंखों पे। हाँ सही कहा, आओ मेरे पास आओ। ओए बाबू मौसा, ये रनमैन यहाँ पर क्यों आ रहा है? तू हर बार मुझे देखकर शॉक क्यों हो जाता है? अबे ऐसे बिन बुलाए मेरे घर पे आ जाएगा तो शॉक ही हो जाऊंगा ना। वैसे एक बात बता, तू इनविजिबल मैन को कैसे जानता था? मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, चला जाए यहाँ से। अच्छा तो ये बता, आखिरी बार तू उससे कब मिला था? आखिरी बार उस दिन ही मिला था जिस दिन तू मेरे घर पे आया था। साले झूठ मत बोल, मैंने CCTV चेक किया इनविजिबल मैन के घर का। हाँ तो क्या हुआ? जिस दिन वो मरा उस दिन तेरा ही नाम ले रहा था घर पे, तुझसे कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है। ओबे साले, मेरे को मार क्यों रहा है तू? सच्चाई बता दे, तू जब तक सच्चाई नहीं बताएगा तब तक मैं तुझे मारता ही रहूँगा। बाबू मोसाय, मुझे नहीं पता वो किस हिसाब के बारे में बात कर रहा था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, जिस दिन वो गया उस दिन वो तेरा ही नाम ले रहा था। और मुझे मत मारो, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। देख हिप हॉप, आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बता दे वरना आज तो तुझे मार ही डालूंगा। हाँ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। असल में वो उस दिन मुझसे ही मिलने आया था, क्योंकि वो मेरे पे गुस्सा था, क्योंकि मैंने तुझे सुपर टीम से बाहर निकलवा दिया। झूठ मत बोल, ये कोई वजह नहीं हुई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे टीम से निकलने से। क्या हो रहा है यहाँ पे रनमैन, तू यहाँ क्या कर रहा है? बीच में मत आ आडम, वरना तुझे भी मार दूंगा इस पॉप के साथ। तू इसे मारना क्यों चाहता है ये बता। इसने इनविजिबल मैन की जान ली है इसीलिए। क्या बकवास कर रहा है, हिप हॉप ऐसा कर ही नहीं सकता। बोला ना मेरे रास्ते से हट जा वरना तुझे भी मार दूंगा। जैसी तेरी मर्जी रनमैन, एक बार आजमा के देख ले। सॉरी हिप हॉप, रनमैन की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। असल में उसे सदमा लगा है इनविजिबल मैन की मौत से, इसलिए तेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। बाबू मोसाय, माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। वैसे आडम, मुझे बुरा लग रहा है, सोच रहा हूँ कि तुम्हें सच्चाई बता ही दूँ, वरना मैं अपने आप को ही कोसता रहूँगा। क्या रे इंजू मामू, तू तो बहुत तेज गाड़ी चलाता है, मेरे को तो यार बहुत डर लग रहा है तेरे साथ। ये मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे ही चलाता है। बकवास बंद कर और चल मेरे साथ अंदर। साले तेरे से भी तेज चला सकता है मैं, एक बार तेरी कार मेरे को चलाने देना, हैंडल हाथ में दे देंगे। अबे ये क्या आडम यहाँ पे, हिप्पू तुझे मना किया था फिर भी तूने इसको घर पर बुलाया। बाबू मोसाय, मैंने इसे नहीं बुलाया, उल्टा ये मुझे बचाने आया है, रनमैन आया था मुझे मारने के लिए। पर अब चिंता की बात नहीं है, वो नहीं आएगा,
और हिप्पू तू बता दे क्या बताने वाला था। हिप्पू क्या बताने वाला था तू इसे, ये मत भूल ये टीम सुपर से है, हम सबको मरवाएगा। अगर सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम तीनों को अभी मार दूंगा। एंड्रयू आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, इससे अच्छा हम बता देते हैं। देख गलत कर रहा है तू, मैं बता रहा हूँ। नहीं सही कर रहा हूँ। सुन एडम, असल में बात यह है कि इनविजिबल मैन को असल में हमने ही मारा। क्या बोल रहे हो, तुम तो एक आम इंसान हो, तुम कैसे मार सकते हो। हम एक वेपन चुरा लाए थे मामू रशिया से, जिससे हम किसी भी सुपर को मार सकते है, उससे हमने उसको मार दिया। तुम तीनों ने गलत किया है, तुम तीनों को इसकी सजा मिलेगी। ठीक है, अगर हमें सजा मिलेगी तो सुपर्स को भी मिलनी चाहिए, सारे सुपर्स को। हमें क्यों सजा मिलेगी, हम तुम्हारी तरह गलत काम नहीं करते। तुम जानना चाहते हो एडम हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि रनमैन ने मेरे एक लौते भाई को मार दिया और उसकी मौत पे रनमैन और इनविजिबल मैन दोनों हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। हाँ मामू, तेरे को जरा भी मालूम नहीं है कि इन सुपर्स ने कितने बेगुनाहों की जान ली है। नहीं ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। कल की ही बात ले लो, मीडिया के सामने क्रिमिनल मैन ने कितने बेगुनाहों को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो बस क्रिमिनल मैन का विरोध कर रहे थे, इसलिए उसकी हाँ में हाँ नहीं पड़ रहे थे इसलिए। वैसे तब तुम कहाँ थे, क्यों नहीं आए क्रिमिनल मैन को सजा देने के लिए। एडम रे तू जानता नहीं है रे, क्रिमिनल मैन ने एंड्रयू की बहन को मार दिया, उसका भी हम बदला लेंगे क्रिमिनल मैन को मार के। और सुन एडम, अगर हम इनविजिबल मैन को नहीं मारते तो वो हम तीनों को मार देता, इसलिए हमने यह किया। हाँ सही कहा, तुम लोग सही हो। वैसे मुझे पहले दिन ही पता चल गया था सारे सुपर्स कमीने हैं, पर यकीन करो मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं तुम लोगों का साथ दूंगा। पर हम तेरे पे भरोसा क्यों करें, तू भी एक सुपर ही है। अगर मैं उन जैसा होता तो हिप हॉप की जान क्यों बचाता, मैं बस आम नागरिकों की भलाई चाहता हूँ और कुछ नहीं। एक बात बता एडम, अगर जरूरत पड़ी तो तू क्रिमिनल मैन को मार सकता है आम नागरिकों की भलाई के लिए। हाँ बेशक बिल्कुल मार सकता हूँ, और जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। वो सब छोड़ मामू, ये देख ये न्यूज पे क्या आ रहा है, हमारे शहर को क्या हो रहा है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज सुबह से हमारे शहर के लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। बाबू मौसा ये क्या हो रहा है, लोग ज़ॉम्बीज कैसे बन रहे हैं। हाँ ऐसा तो मैंने भी पहली बार देखा। कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे जल्दी से हेडक्वार्टर्स जाना पड़ेगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना और घर के बाहर मत निकलना। तुझे इस पे भरोसा है इपू कि ये हमें धोखा नहीं देगा। हाँ बाबू मोसाय, मुझे एडम पे पूरा भरोसा है और हमें उसकी जरूरत है, उसे हमारी नहीं। चलो अब रनमैन का डर नहीं रहेगा, एडम उससे निपट लेगा। विनोद रिपोर्टिंग फ्रॉम बिजल न्यूज। हम आ चुका हूँ अभी मेले में और यहाँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं, सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। दोस्तों हम आपके लिए इतना रिस्क लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। ज़ॉम्बीज को मारने के लिए कट्टे का प्रयोग करें, हमारे पास कट्टा होता ही है, ये सारा पक्का मरेगा, तुम लोग देखना। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, इन उबड़े ज़ॉम्बी से डरने की जरूरत नहीं, आप बाहर आ सकते हैं। अबे अबे छोड़ हमका छोड़ो। देखा मैंने कहा था ना ये मरेगा, आया बड़ा रिपोर्टिंग करने वाला। मास्टर हमें लगता है ये हमारे दुश्मनों ने वायरस फैलाया है। नहीं मैजिकल शकुरी, ऐसा वायरस तो कोई नहीं बना सकता। रे मास्टर तो आपको के लगता से, अभी बहस करने का टाइम नहीं है, हमें ज़ॉम्बीज से इस शहर को बसाना पड़ेगा। तो आप क्या करने वाले हो मास्टर। सारे ज़ॉम्बीज को उड़ा दूंगा मैं, एक एक को सुन सुन कर मारूंगा। वैसे करवे एडम, तुझे हीरो बनना है ना, तो सर मेरे साथ, डर तो नहीं लगेगा ना। नहीं मास्टर, इन ज़ॉम्बीज से क्या डरना। ठीक है तो फिर मैं और करवा एडम जाके ज़ॉम्बीज को मारते हैं, तब तक तुम इनके बारे में पता लगाओ कि ये किसने किया। ठीक है मास्टर, जैसा आप कहे। अरे मामू तूने खिड़की दरवाजे तो बंद कर दिए ना, घर में आने का कोई रास्ता खुला तो नहीं है ना, ज़ॉम्बी आ जाएंगे। नहीं वो कहीं से नहीं आ सकते, सब कुछ बंद है। हिप हॉप तुझे खाना बनाना ही नहीं आता, साले मेरा पेट बिगाड़ दिया, वॉशरूम जाना पड़ेगा। साला एंड्रयू तो बहुत कमजोर है, खाना भी हजम नहीं कर पाता। किसी के पेट का मजाक नहीं उड़ाते हिप हॉप, पेट बुरा मान जाता है। हाँ ठीक है बाबू मोसाय, नहीं मजाक उड़ाऊंगा। खाना अबे कौन है। अरे कोई नहीं है, मेरे को लगा कोई है पीछे। टीवी देखूंगा।
अबे कौन है? ज़ॉम्बी। अबे साले एंड्रयू मजाक मत कर, साला छुप के हमको डरा रहा है, अभी चला गया। हाँ बाबू मोसाई कहीं नहीं दिख रहा, उसको लगता है कि हम डर जाएंगे। चलो अब तुम्हें खा जाता हूँ। अबे दिमित्री ये तो सच में ज़ॉम्बी है। साले तूने तो कहा था सब कुछ बंद है, तो फिर ये कहाँ से घुस गया रे? अरे मेरे को क्या मालूम कहाँ से घुस गया, मैंने तो सब कुछ लॉक किया था। अब तुम दोनों को खा जाऊंगा। आया बड़ा मेरे दोस्तों को खाने वाला। बाबू मोसा ये घर हमारे लिए सेफ नहीं है। अरे मामू तो फिर कहाँ पर जाएंगे? तुम दोनों जल्दी मेरे साथ चलो, मुझे एक जगह मालूम है जहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं पहुँच पाएंगे। अरे इस शहर की क्या हालत हो गई है, सारे आम नागरिक ज़ॉम्बीज बन गए, और ये प्यारी लड़की भी, मास्टर में इसे नहीं मार सकता। अबे मार उसे, वो प्यारी लड़की नहीं खूंखार ज़ॉम्बी है, अगर वो काट लेगी तो डूबी इनकी तरह ज़ॉम्बी बन जाएगा। नहीं मास्टर, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है मास्टर, जैसा आप कहे। साड़ो अभी बताता हूँ तुम सबको, एक लात मार के उड़ा दूंगा। खा जाऊंगी। ये तो बहुत जिद्दी है, एक लात में समझी नहीं, फिर से आ गई लात खाने। ये रे। अरे मास्टर ये तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए। तो खड़ा क्यों है, मार सबको। साड़ो एक एक को सुन सुन कर मार दूंगा, साहे जितने भी आ जाओ। मास्टर संभाल के, वो बहुत सारे हैं। अब बहुत हो गया, पावर्स यूज करने पड़ेंगे। सबको जला के खाक कर दूंगा, एक भी ज़ॉम्बी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेंगे। अबे इन्हें तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो फिर से मर के जिंदा हो जाते। अरे मास्टर रुकिए, इन्हें मत मारिए, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, ये नहीं मरेंगे। हाँ मैं और आदम कब से ट्राई कर रहे हैं, इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा है, मर के फिर से जिंदा हो जा रहे हैं। हाँ मास्टर क्योंकि ये ज़ॉम्बीज है, मरे हुए कभी नहीं मरते। तो अब मैजिकल सकुड़ी इनका क्या करेंगे, कुछ उपाय ढूंढा तुमने? हाँ मास्टर, सालों पहले ज़ॉम्बी समुराई हुआ करते थे, उनका भी इनकी तरह ही आतंक था मास्टर। उसके लिए हमें एक जादुई तलवार की जरूरत है, उसकी मदद से ही हम ज़ॉम्बीज को मार पाएंगे। तो कहाँ मिलेगी ये तलवार मैजिकल सकुरी?